यूपी के बदायूं में डबल मर्डर का आरोपी साजिद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। खबरें हैं कि इस वारदात में उसका भाई जावेद भी शामिल था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जान गंवाने वाले मासूमों की पहचान आयुष और हनी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी तीसरे बच्चे पीयूष को भी मारने की फिराक में था। अब सवाल ये है कि आखिर दो मासूमों का हत्यारा साजिद कौन था, उसने बच्चों को क्यों मारा और वो घर में घुसा कैसे। उत्तर प्रदेश के बदायूं की बाबा कॉलोनी में इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला साजिद पेशे से नाई था। साजिद की उम्र 22 साल थी, वो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन इलाके में सैलून चलाता था। पीड़ित परिवार ने बताया कि साजिद का उनके घर पर भी आना जाना था। बच्चों की मां संगीता ने बताया, साजिद और जावेद बाइक से मेरे घर आए थे। जावेद बाइक लेकर बाहर खड़ा था, साजिद घर के अंदर आया, कहा कि भाभी मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, वो अस्पताल में भर्ती है, मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। मैंने साजिद को पैसे दे दिए। इसके बाद मैंने उससे कहा चाय पी लो, मैं चाय बनाने चली गई। साजिद ने मुझसे कहा कि मुझे घबराहट हो रही है, मैं थोड़ा छत पर टहल लेता हूँ। छत पर जाकर साजिद ने मेरे दोनों बच्चों की हत्या कर दी। हत्या का कारण क्या है पता नहीं, मेरा उन लोगों से कोई विवाद नहीं है। आपको बता दें कि बाबा कॉलोनी में रहने वाले पीड़ित पिता विनोद कुमार पेशे से ठेकेदार हैं। वे यहां अपनी पत्नी संगीता और बच्चों के साथ रहते हैं। संगीता घर में ही अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है, वहीं विनोद प्राइवेट जॉब करते हैं और अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। इस समय भी वो किसी काम से बाहर गए थे। इनके तीन बच्चे हैं, जिन दो बच्चों की हत्या हुई है वे आयुष और हनी थे। वहीं जिंदा बचे तीसरे बच्चे पीयूष ने जब आंखों देखा हाल बताया तो लोग हैरान रह गए। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर मेरे छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटा कर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? बदायूं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने हत्याकांड से जुड़ी अहम जानकारियां दी हैं। पुलिस ने क्या बताया है आप वो भी सुनिए। कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना कोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। खैर, पुलिस अभी जावेद की तलाश कर रही है और ये भी जांच कर रही है कि आखिर इस हत्याकांड की पूरी कहानी क्या है, साजिद ने आखिर दोनों बच्चों को क्यों मारा।